रीट भर्ती परीक्षा 2021 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बुद्धि, और उसमें भी बुद्धि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि सिलेबस में अलग से मेंशन कर रखा है। तो एक प्रश्न आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए आज देख लेते हैं बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में। इसको मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी ये, और 1983 में इन्होंने मूल रूप से बुद्धि के 7 प्रकार बताए हैं, और बाद में फिर उन्होंने 1998 में 8वां प्रकार बताया, और सन 2000 में इन्होंने 9वां प्रकार भी बताया। इस प्रकार वर्तमान में बुद्धि के 9 प्रकार स्वीकार किए गए हैं। और इन्होंने जो बुद्धि के प्रकार बताए वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हैं भाषाई बुद्धि, और इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें कवि, वकील, लेखक, व्याख्याता, पत्रकार आदि आते हैं। तार्किक गणितीय, इसमें आते हैं गणितज्ञ और वैज्ञानिक। संगीतात्मक बुद्धि, संगीतकार और वाद्य यंत्रों को बजाने वाले। स्थानिक बुद्धि आती है मूर्तिकार में, चित्रकार में, सर्वेक्षण अधिकारी आदि में। इसके अलावा शारीरिक गतिक बुद्धि, यह आती है नृत्यक और नृत्यांगना में, खिलाड़ी, मुक्केबाज, तैराक, शल्य चिकित्सक, एयरफोर्स पायलट, इन सभी में जो शारीरिक गति बुद्धि पाई जाती है। अंतरा व्यक्ति, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये राजनेता, चिकित्सक और अधिकारी, इन सब में जो पाई जाती हैं। नेक्स्ट है अंतरा व्यक्ति, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, ये योगी, संत, सही आत्मज्ञान से पूर्ण व्यक्ति में पाई जाती हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि, ये किसान, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक आदि में पाई जाती हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि, ये 9वां प्रकार है बुद्धि का, और ये दार्शनिक, चिंतक, इनमें इस बुद्धि पाई जाती हैं। तो ये बुद्धि के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। इसको एकाधिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सिद्धांत के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।